पीजीआई दे विचों कल आए ने सिविल दे विच एडमिट रहे ने इहदा कसूर पता की है इहदे नाल बिल्कुल घर दे नाल सिलेंडर भरदे आ लोक इहने कंप्लेन लिखवाती आ इहदा कसूर है लड़ाई बढ़ गई जी हत्थ मुत्त हुआ दूसरे उधर से चली दसी बीट चली है जो असी कंप्लेन दिती इस परिवार से हमला करता अंदर वड़ गए कुड़ी के कपड़े पाड़ते कुटिया मारिया हुण तक ओहदी कारवाई तो की होनी सी उल्टा इस परिवार से कारवाई हो गई लेडी जी चारपाई मौजूद से उन्हें कहा कि तेजर हथियार मारे नहीं सर तेज हथियार कोई सी मरिया उन्हें तो बंदे में हाथ में वो सीगा तो छीन का सी वो साइड करता छीन के साइड करता उन्हें तो बंदा लेके आया सीगा जी पहला तो जी दात मारिए दात सिर दे बोल कटाया गया दीदी का उस तो बाद जो बेहोश होगी उदों तक पत्थर मारे जो तक पूरी तरह बेहोश नहीं होगी कुछ नहीं था हथियार उथियार किसी के पास नहीं था उनके सबके पास वही आया वो घूसम वही लड़ाई मचाया नहीं तो लड़ाई होती ना हम लोग अपने मुंह से ही बोल रहे थे। लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं विशाल कपूर इस समय असी थाना डिवीजन नंबर 7 के बाहर खड़े हुए हैं जिते तुम दस दिए बीते दिन लड़ाई होंगी है। लड़ाई तो बाद जो एक परिवार इंसाफ भी थाने के बाहर बैठता तस्वीर दिखा रहे हैं 7 नंबर थाने के बाहर ये तस्वीर ने लेकिन आप परिवार है जो इस समय मंजी डा के जरा थाने के बाहर आके बैठ चुका हो थाने के बाहर जो परिवार बैठा हुआ वा उस असं गलबात भी करें कि है पूरा मामला थाने के बाहर आके आखिर क्यों बैठा गया लेकिन गलबात करते हैं कि पूरा मामला मामला ये है जी आ परिवार आ देखो भैन साड़ी किदा मतलब लेटी हुई है पी जी आई दे विचों कल आए ने सिविल दे विच एडमिट रहे ने इहदा कसूर पता की है इहदे नाल बिल्कुल घर दे नाल सिलेंडर भरदे आ लोक इहने कंप्लेन लिखवाती आ इहदा कसूर है मतलब इनलीगल काम हो रहा कंप्लेन लिखाण दा खमेज हांजी हांजी ओह कहिंदे 25,000 रुपया साडा 7 नंबर थाने नूं जांदा ओह पूरे महल्ले च रौला पा रहे आ किहड़े अफसर नूं 25,000 पता नहीं किहनूं दिंदे किहनूं नहीं उहनां दी सैटिंग होवेगी पूरे महल्ले च उहनां ने रौला पाया होया असीं आह गल वी उरे आ के दसी है वी उहनां दा सिलेंडर दा काम बंद कराओ सिलेंडर दा काम जिहड़ा चल रिहा जोरां ते उहनां दे रिश्तेदार वी भरी जांदे ओह वी भरी जांदे आ उहनूं तां बंद की करना सी जदों असीं कंप्लेन दित्ती तां इस परिवार ते हमला करता अंदर वड़ गए कुड़ी दे कपड़े पा ते कुटिया मारिया हुण तक ओहदी कारवाई तां की होनी सी उल्टा इस परिवार ते कारवाई हो गई हुण एक प्रधान शिवसेना दा प्रधान बाहर एस टी नूं लैके आया सीगा लेकिन तुहानूं बुलाया जा रिहा वा कि हुण क्यों आ रहे ने बाहर ओह चलो तां नाल ही ने साडे कोई ऐसी गल नहीं है हुण ओह कह रहे ने असीं उहनां नूं इह कह रहे साडी कारवाई कर दो असीं उठ जांदे साडी कारवाई कर दो सानूं शौक तां है नहीं गा नरातिआं दे दिन चल रहे आ माता राणी दे असीं इत्थे बैठे असीं पागल हां ओह देखो असीं माता दी फोटो लगाती है उरे कोशिश करांगे विशाल जी मंदिर बनवा दांगे वी इस थाने तों कम नहीं हुंदा बस आओ मंदिर दे विच अरदास कर लो तां काम होना मैनूं तां लगता जाण कित्थे लोग थाने च काम मंदिर जाण भगवान ते भरोसा रह गया जी आ देख लो तुहाडे सामने नंगल कल मारता ना नंगल कल मारता हिंदू यार की मतलब है यार साडे नाल ही क्यों अत्याचार हुंदा है समझ तो बाहर है किन्नी तरीक दा वाकया गोरी भी ईद तो एक दिन पहला का वाकया जी ये 10 तरीक का 10 तरीक अज 15 तरीक हो गई है मतलब 6 दिन हो गए जो 10 तरीक का आप दिन गिणीए अज 6 दिन हो गए परिवार ये बेचारा उस दिन का होस्पिटल नाल है अपनी भैन के ये सिर पर बाप का साया नहीं है आ हालात हो रहे हैं जी नहीं की होया कि जी वाकया सिर्फ गैस की कंप्लेन की इनलीगल तौर पर भरया जा रहा उस तो बाद कुटमार शुरू कर दी बस इन्नी की खमियाजा सी जी असी कंप्लेंट कीती है जिहड़े कुटमार कीते जी सारे गैस माफिया ने सारे गैस का काम करते हैं नाम हैगा जी नसीम अंसारी उहदा बेटा आफताब अंसारी साहिल खान साहिल कसमुद्दीन साहिल नसीम का भरा तो उस तो बाद साजिदा खान बेबी ये सारा टब्बर पहला तो जी दात मारिए दात सिर दे बोल कटाया गया दीदी का उस तो बाद जो बेहोश होगी उदों तक पत्थर मारे जो तक पूरी तरह बेहोश नहीं होगी जो देखते गर्दिया टांडा पूरा चलिया मतलब पुलिस मौके पर आई नहीं थाना कितनी दूर है थाना जी मैनू लगता है कि जे पैदल चलीए तो शायद 1.5 मिनट के पहुँच जाएंगे 1.5 मिनट का रस्ता होएगा भैन आशा वर्कर भी है आशा वर्कर भैन बैठी उन्होंने कहना यह है भी असी रात को 11 बजे भी जाना होंगे 11:30 बजे भी जाना होंगे ये साढ़े ना जो हालात यह बन गए तो असं कि लोगों की सेवा कर पावे आ सारिया भैन सेवा निभा रही ने आशा वर्कर ने इन्होंने गल करो देखो सॉरी मैडम इधर हो एक मिनट जो फोन किया पुलिस की जवाब दें ये हमारे घर के देवर है ये घर देवरानी बोली थी कि मैं फोन 50 बार किए हैं बाकी पुलिस फोन नहीं उठाई पता नहीं क्यों नहीं उठाई जब सारा ख़त्म हो गया तो पुलिस गई पूछताछ करने तो बगल मोहल्ले के लोग बोल दिए कि हम नहीं जानते हैं कि माँ झगड़ा हुआ है जब वो लड़के के गए छुड़ाने के लिए इनको काटने के लिए दौड़े जब वो छुड़ाने के लिए गए तो उनको वार लगे बच गया यही छुड़ाई तो इनको बस ईटा पत्थर बरसाने लगे थाने बाहर लेके आंदा
की मोटिव की रहा, मकसद की है कि छुट्टी पुलिस नु जगा बयान लिखाण जा रहे हैं, बयान लिखाण जा रहे हैं, कोई गया ही नहीं, असी क्या असी कुड़ी उरे लैंदी है, हुण जे कुड़ी नु कुछ हुंदा ते इह जिम्मेवार ने, असी आप एक मतलब एक पाप दा काम कीता है वी लाश दे विचों कुड़ी नु लैके आए हैं। अदा डॉक पहला सिविल दे विच सीगी जी, सिविल तो उन्होंने पी जी आई रैफर किया, टैसट हो गए हैं, वो कहते कल तक इन्हों की रिपोर्ट आ जाएगी, उदों तक तुम कोई नेड़े निजी हस्पताल इन्हों एडमिट करा दो। फिर असी आप ये बेचारा इन्ना समर्थ नहीं है, इन्होंने पैसे पुसे कट्ठे करके आपस के इतने के डी एडमिट कराया, उतों से छुट्टी दवा के लैके आए, हूँ असं उन्होंने बेनती लावे भी इस भैन इतने ग्लूकोज ला दो। कुछ नहीं कहता जी, देखो तुहाडे सामने हूँ भी आके मुड़ गया, अद्धा घंटा अद्धा घंटा अद्धा घंटा अद्धा घंटा नहीं हो रहा, दो घंटे हो गए। प्रेशर हो सकता है किसी विधायक का प्रेशर होवे, कोई सरकार का प्रेशर होवे, या कोई बहुत वड्डी ताकत का प्रेशर होवे। जाति सूचक शब्द भी बोले गए ना रविदास भाई चर तो, दोस्तों पूछ मैं उन्होंने कहा मैं भाई थोड़ा ध्यान नाल बोलो ठीक है ना, सारे यह जी गलत जबानी नहीं कही जाती, तो इस ये मेरा विरोध करने चक्कर है, वो सारे फिर मेरे मगर पै गए, सारे कुटन लगे, उन्होंने को हथियार सके इट्टा पत्थर सारे कट्ठे हो गए कुटे, उन्होंने वीडियो पई है मेरे को, बिल्कुल जी बिल्कुल, वो कहते भी असी जो करना कर ही लेना, तुसी जो किसी जो जो कार्रवाई करानी करा लो, है वो सारे रिश्वतखोर बैठी पुलिस अपना अपने रिश्वत ले जा रही, उन्होंने छड़ी जा रही है, पूरी चलती जी थाने कहते भी असी तो 25,000 महीना दें, सिलेंडर दें, महीने का राशन दें, या तो तुसी पुलिस पुलिस को तनखा ना, वही हो गया ना, दो नंबर का काम है, या तो पुलिस को तनखा नहीं मिल रही है, या तो गुंडिया का समर्थन करो, सीधी गल आम पब्लिक ने कुटखान दो, कोई बयानबाजी ना करो, कोई कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, मैं क्या कह रहा, बेड़ा गर्क हो गया, सरकार ने बेड़ा गर्क करता, सानू तो सिर्फ माता रानी का हूँ जरा, माता रानी के सारे बैठे हैं, असं हम इतने बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन SHO बाहर गल करनी है कि तुम अंदर जाके गल करनी, नहीं नहीं असं गल ही नहीं करनी जी, सू तो परचे की कापी दवे तो चले हैं, सानू FIR की कापी दवे फिर असं जाव। बिल्कुल ये समाज बैठा सामने दिखा दी, एक भैन जी है मंजी के उत्ते बैठी है थाने के बाहर, 7 नंबर थाने तस्वीर दिखा रहे हैं, जितने थाने के बाहर आशा वर्कर के नाल जिस भैन के नाल वारदात हुई है वो थाने के बाहर आए, उन्होंने रिश्तेदार ने, लेकिन तस्वीर तुहानू मैं दिखा रहा इस करके दिखानी है कि किन्नी कु बेबस तस्वीर दिखा दी जाती है। खड़े होवोगे एक मैम सारे, जो तुसी आशा वर्कर हो महिलावां की सुनवाई होंदी है कि नहीं होंदी है? इस टाइम तो नहीं हो रही है सर, हुण तुहाडे सामने असीं बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है, अगले नालों मार के भी तुम की दंदे मारा, 24 घंटा ड्यूटी करने वाले हैं तो हम लोगों के क्या सुनवाई, हम तो उन लोगों के साथ रहते हैं, हम लोगों के साथ कौन है, कोई भी नहीं खड़ा, कौन है, हम लोग तो उन लोग के साथ है, इतने तक जिथे असं काम करते उतो भी नहीं कोई रिस्पॉन्स हैगा, की करिए हम, साड़ी कोई सेफ साइड नहीं है जी, यदा मतलब असी रात को डिलीवरी कराने ना जाइए, पेशेंट की केयर ना असी करिए, आही कुछ हैगा। बिल्कुल तस्वीर दिखा रहे हैं थाना सातर की दिखा रहे हैं, मैं सहयोगी कहूँगा कि तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर कितने ना कितने एक सवाल खड़ा कर देती है कि अगर कुटमार का शिकार होए है तो उदा की जी है दरखास्त जी सुनी जाती है, लेकिन दरखास्त ना सुनने के चलते हुए कि उन्होंने मजबूर होकर थाने के बाहर आकर ही मंजी के उत्ते उस भैन को हस्पतालों छुट्टी दवा के जिन्हें कंडीशन भी क्रिटिकल कंडीशन है दसी जा रही है कि उन्होंने छुट्टी दवा के जरा थाने के बाहर रखा गया कि ताकि जी कार्रवाई हो सके। कोई ना जो इतने झगड़ा होगा ऑलरेडी पहले ही परचा दर्ज सी, इन्होंने अज कोई नवा तथ्य दिता भी लेडीज नाल कुटमार के उदी असी अपना तहकीकात करके कार्रवाई कर रहे हैं। पहला ही लगे हुए 5-4 अफेंस, हूँ 354A का ही वाधा कर रहे हैं, वाधा वो कार्रवाई अगली शुरू करा कार्रवाई। शुक्रिया। SHO साहब 7 नंबर मौजूद से जिन्होंने कहा कि FIR जी पहले लॉन्च होगी तो वाधा जो किया जाएगा, हूँ धरना जो मुकम्मल तौर पर चक लिता गया वै, इन्होंने तुहाडे सामने किया जी ऑनलाइन मतलब ऑन कैमरे किया वै भी 354A जी लगेगी, ओके 5 बजे असं कापी लै जाएंगे तो असं मानते हैं भी ये साड़ी जित हुई है साडे भरावां दी और बहुत अच्छी गल है, धन्यवाद भी करते हैं असी जे जिंदाबाद कहना जानते सी मुर्दाबाद कहने जिंदाबाद भी कहोंगे, जदों साड़ी FIR की कापी सानू मिल जूगी असी बकायदा सरोपा पा के जावांगे SHO साहब नू। जिहड़ी लड़ाई हुई थाने दे बाहर जिहड़ी पार्टी बैठी हुई सी दूसरा पक्ष साडे नाल मौजूद है गलबात करदे आ, नसीम की पूरा मामला सीगा की होया की सी उस रात? सर मामला इस तरह हुआ कि इनका फोन आया था तो आपस में जिसे बहस बहस रहे थे तो हम लोग आए, हमारे यहाँ बेटी रहती है, हमारी बेटी के यहाँ शादी हुई है हमारी ये कुटुंब ने, तो असी आए तो इन्होंने भी गाली गुल दे रहे थे दूसरे गाली गुल कर बड़ा असी रोकने की कोशिश किया कि तो गाली गुल मत दो कोई बात नहीं, कोई ताड़ी गैस भरन की कोई उन्होंने कंप्लेंट की होनी है कि कंप्लेंट की इलीगल गैस भर दे जी जी, ये पहले कंप्लेंट किए थे तो यहाँ पर खुद सप्लाई अफसर आए थे, जब आए तो इंक्वायरी किए तो उन्होंने कुछ नहीं मिला सर, वो लिख कर चले गए सू कुछ नहीं मिला, उसके बाद शाम को इन्होंने कहा कि तुसी भाई ये चौकी लगती बाहर जी समान लाते असी खिलौने का काम है, तो ये कहता कि इतने तुम ना लाओ
हट के लाओ। ये वर्ग धक्का धक्का हुआ सानू कुटुंब ने फोन किया कि तुम इधर आ जाओ लड़ाई हो रही है। असं आए तो लड़ाई नहीं हो रही थी, एक दूसरे से बहस रहे थे। एक अन्य व्यक्ति है भूषण जो दारू पी के आया सीगा जी, वो मेरे प्राण को धक्का मारिया, वो बाद लड़ाई बढ़ गई जी, खत्म उत्तम हुआ। दूसरे से उधर से इट भी चली, इधर से इट चली है। देखिए दात पड़िया सीगा कि दात ताडे आते सीगा, वो रोप लगाने की दात मारे, वो लेडी जी चारपाई से मौजूद सी उन्हें कहा कि तेज दर हथियार मारे। नहीं सर, तेज हथियार कोई नहीं मारिया, उन्हें बंदे में हाथ में वो सीगा तो छीन का सी साइड करता, छीन के साइड करता, उन्हें बंदा लेके आया सीगा जी। साढ़े पक्ष में कोई हथियार किसी उन्हें पैसा चढ़ता साढ़ा नहीं जी, कोई पैसा देते नहीं, ऐसे काम बिल्कुल गलत नहीं करते सर, तो पैसा कैसे दे। कंप्लेंट किस चीज़ की भरेगी, इनलीगल गैस भरी जाती है सर। एक इन्हों का मुद्दा सर, इन्हों का यह मुद्दा है, एक बंदा अपना गुरियन जो बीजेपी पार्टी का है, ये साढ़े पर दबाव बनाना चाहता जी, कहता असी तो 10 करोड़ मुसलमान है, कहता हिंदू इतने बहुत रहते, इन्हों रहने इतने नहीं देना वा, कहीं सर नहीं मुस्लिम इतने कितने रह सकता है, असी बर्बाद कर देंगे, असी ये कर देंगे, असी वो कर देंगे। हर तीसरे चौथा दिन पुलिस रेड करवा देता कोई ना कोई बहाना ला के। पर्चा हो गया तुहाडे सर, साढ़े से जो पर्चा हुआ है वो सानू मंजूर है, जो भी बंदी करवाई है सर, सर ने किया सू मंजूर है, पर ये दबाव बना के प्रशासन पर साढ़े पर झूठी करवाई करवाना चाहते हैं। उसी मौके से कि आगे आ जाओ जी, मौके से थे हम, हाँ जी, कुछ नहीं था, हथियार उथियार किसी के पास नहीं था, उनके सबके पास वही आया वो भूसम, वही लड़ाई मचाया, नहीं तो लड़ाई होती ना ना। हम लोग अपने मुँह से ही बोल रहे थे कि देखो हमारे साथ इन्होंने, इसकी भी माँ है, हमारी बहन है, इन्होंने मेरी फ़ोटो लगा दिया झूठ कि इन्होंने गैस सिलेंडर भरते हुए सिलेंडर लगा के मेरा फुल सप्लाई से इन्होंने मेरा मतलब इंक्वायरी कराया मेरे घर में, घर में हमारे कुछ नहीं मिला। अब हम इनसे बोल रहे थे, हम इतना दिन से परेशान किए लेकिन हम कभी लड़ाई नहीं किए, तू तू मैंने करके हम अंदर हो जाते थे, कभी लड़ाई नहीं। इन्होंने हमें आज बहुत साल से परेशान कर रखे हैं। नहीं नहीं, आपको परेशान करके रखा है तो आप यहाँ पे बैठी हुई थी, तो लड़ाई की वजह क्या थी, सिर्फ गैस की रिपोर्ट की थी उसकी वजह थी? नहीं नहीं कोई नहीं, ये चौकी थी, ये बेंच, ये बेंच जो है ना ये सामने लगी है, कहती हैं ये हमारे में है, तो हम कहें कि ये तुम्हारे में नहीं है। हमने सारे 2-3 बंदे को बुला के नफत करवा दी, नीला पेंट लगवा दिया, बिंटू उंटू थे वो सब बोले हैं कि अपना नीला पेंट लगा दो, फिर हमने तुम इधर लगाओ वो उधर लगाए, फिर भी इनकी माँ बहन नहीं मानती थी, जब देखो तब धक्का मार देती थी, हमारी चौकी पर धक्का मार देती थी, उसी में हमारी दोनों की गाली गलौजा हो जाती थी, अंदर हो जाते थे हम, फिर हमारी मारपीट कभी नहीं हुई है, लेकिन ये हमें बहुत तंग कर रखे हैं, बहुत दिन से तंग कर रखे हैं। जो हथियारों का तांडव हुआ है, जो तेजर हथियार थे, ये हथियार लेके कौन आया? जो नहीं हथियार पता नहीं अब कौन लेके आता, हमें खुद नहीं, हमारे सबके पास कोई हथियार नहीं था ना, हम लोग लड़ाई के मूड में थे, हम खाली अपने आप कर रहे थे, हम अपने आप छुड़ा रहे थे सबको। वो ही आया भूसम, आया है भूसम ने पहले गला पे गिरवान पे मारा है, फिर उसी टाइप लड़ाई होने लगी है। संख्या थी उनकी 5-6, वो थे 5-6, हम थे बस, इससे ज्यादा कोई नहीं था। फिर उसके बाद जब सब चले गए हैं, हम थाने चले सर, बाद में जब लड़ाई हो जाती है असी चल जाए थाने कंप्लेंट करवा देने वास्ते, उसके बाद में कट से कट 50 बंदे लाके हमारे गेट पे कम से कम ईंटा बरसाए, बहुत बरसाए, असी सर डर। वीडियो है मेरे साथ बेटे पर, वीडियो जाने वीडियो कमरा लगा था, इन्होंने डिलीट कर दिया, मेरे पास वो वीडियो है जिस बंदे ने पहले भूषण ने धक्का मारा मेरे पर, वो वीडियो मेरे को मौजूद है। मांग क्या कर रहे हो सर? हम ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारे प्रशासन ने करवाई किया है वो हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में ये लोग हिंदू मुस्लिम में धरा बना रहे हैं, बनाकर 7 नंबर के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन पे गलत कार्रवाई कितना जाए, छेड़छाड़ दे, यानी कि वीडियो पड़ी है सर, बाहर लड़ाई हुई है, असली लड़ाई के मन में सीखे ही नहीं, भूषण करके सारा लड़ाई हुई है सर। बिल्कुल, ये दूजा पक्ष अड़ना वो भी लड़ाई के शुरू में नहीं था, वही भूसम आया है तब लड़ाई हुई है, नहीं तो हम लोग आपस में मतलब समझौता कर रहे थे, बोल रहे थे। हाँ। उसकी मम्मी बहुत सारे बंदे लेके, मैं 4 बच्चे लेके अपने घर में अकेली थी, मेरा दरवाजा तोड़ रहे थे वो सारे लोग, और मेरे अगर दरवाजा खुल गया होता तो ये मुझे भी मेरे बच्चों को मार दिए होते। मैं भी इसी मोहल्ले में ही रहती हूँ, जिस दिन लड़ाई हुई थी मैं सामने वहाँ से ही देख रही थी, इनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, उनकी भी कोई गलती नहीं थी, आपस में इनका फैसला ही हो रहा था, वो तीसरा बंदा आके ना का नाम है मोहल्ले का ही है भूषण, उसने आके उसने सारी इनकी लड़ाई खराब की, शांत हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया सी लड़ाई इन्हें तो हर बार इतनी मुँह चावर थोड़ी जी होंगी सी, बहस बसाई बंद हो जाता सी, लेकिन वो तीजे बंदे ने आके इन्हों का सारा काम खराब, तीजे बंदे ने आके पाड़ पवा, हाँ जी उन्होंने आके ऐसे मार दिया झटका ना, तब ये लड़ाई बाहर बच गई, फिर भी हम अपने बंदे को गेट में बंद बंद कर देते थे ना। सा तो यह गलती हो गई, असी ना पुलिस नु फोन करन लगे, उस तो बाद इन्हों के घर से जरा हमला किया, 5-7 बंदे सी
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਡਰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਪਰ ਵਾਜੇ ਸਟਲ ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਥੇ ਇਹ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਥੀ ਅਗਰ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ भैया खराब हो गया था हमने उसे जो है ना नहीं लगा था कैमरा हमारी गेट खोल के देख लो हमारी सटल देख लो ईंट मार रहे थे बल्कि अड़ोसी पड़ोसी सब बोले कि बट्टे ना मारो मेरा वहाँ पे हम थाने में थे थाने में लड़की को फ़ोन किया कि मम्मी वो लेके भागे फिर मैं वहाँ से थाने से मतलब पुलिस लेके आई ये देखो बहू को इन्होंने ईंट ओम प्रकाश ने ऐसा मारा है या देखो पेट में बच्चा है पाँचों में प्रेगनेंट हूँ ओम प्रकाश ने ईंट चला के मार दी मेरे पेट पे अब मेरा बच्चा था अब जानलेवा जो ईंट मारी उसने तेज लगी उसके बाद उसने आके मुझे धक्का मार दिया फिर मैं नीचे गिर गई मैं बल्कि मैं कुछ नहीं कर रही थी मैं बस लड़ाई रोक रही थी मुझे तुम सुनाया कि उस दिन होया की सी असल सच्चाई भी तुम दिखाई धरने वाले की प्रदर्शनकारियों की भी गल सुनाई लेकिन परिवार कह रहा है कि साढ़े जी कार्रवाई की मंजूर है लेकिन वीडियो के आधार उत्ते जो पक्ष कार्रवाई बनती वो की जाए क्योंकि इस कोई भी हिंदू मुसलमान का वो नहीं है लेकिन लड़ाई जी हुई है छोटी जी जी चीज़ जी बाहर लगाई गई है बैन बोर्ड जो लगाए गए ये करके लड़ाई हुई है लड़ाई ने जो तूल पकड़ लिया उस बाद लड़ाई झगड़ा हो गया ਇਸਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।